बोलो लाइक लाइक सब्सक्राइब लाइक शेयर अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग सो गाइस इन टुडेस व्लॉग समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल और यार स्पेशल चीज ये है कि जो हम लैया से अपना कुर्बानी वाला जानवर लेकर आए थे ना मुल्तान संडे को ईद है और फाइनली तकरीबन दो दिन रह गए हैं और हमने उसे अब अपने घर लेकर आ रहे हैं तो यार फिलहाल हम जा रहे हैं उसी जानवर के लिए ना कुछ चीज़ें लेने के लिए उसको मतलब सजाने के लिए अच्छा हम उसको झांझरे वगैरह नहीं पहना सकते क्योंकि यार वो बैकवर्ड इलाके से जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि वो आया है और वो ना बड़ा शदीद डरता है यार वो ना उछलने लग जाता है तो झांझरों वाला सीन तो ऑफ है तो हम उसके लिए लेके जा रहे हैं आप लाल कपड़े छपड़े वो आप लोगों को भी दिखाएंगे वीडियो में कि ना वो कैसा मछला तैयार होगा मेरे साथ आपके प्यारे मुजम्मिल हाय कर दे यार ये कशान साहब ये रियान साहब भी मिलते हैं पहले हम कुरैशी के पास जाएंगे वहाँ पे कुछ काम है उसके बाद सामान लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं स्टे ट्यून्ड शेख जी बाहर आ जाओ नाजरीन कुरैशी को कॉल करके बुलाने के पीछे वजह ये थी कि यार वो ना आता नहीं है बाहर से घर के बाहर आप खड़े रहो आप इसको बैल दो जाते रहो ये प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम इसको ये पीएम साहब ना बड़ी देर से निकाल देंगे घर से बाहर और हम पहुंचने वाले हैं ये रहा कुरैशी साहब अगर वो कुरैशी नहीं नहीं कुरैशी नहीं है सॉरी इधर सामने रोक बिल्कुल सामने ही ऐसे नाजरीन को इंतजार कराना है मैंने ओ यार ऐसे रोकनी थी पीछे कर सामने यहाँ से निकलेगा पीछे कर पीछे कर पीछे कर थोड़ी बैक कर ऐसे सामने नजर आए ये ऐसे और पीछे कर थोड़े से ये ऐसे बस कॉल करने के बावजूद वो बंदा अभी तक नहीं निकला कुरैशी साहब निकले अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम सलाम तो कर लो यानी अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हो गया कुछ भी नहीं हुआ ये एक बच्चा ये बैठा है ये भी बड़ा तेज है और ये जो एक बच्चा ये इधर बैठा है ना पीछे ये पता नहीं आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा ये कहता है मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता दिल नहीं चाहता हाँ दिल नहीं चाहता 5 hours later यार ऐसा कोई बंदा है देख तो सही 15 मिनट हो गया मैं खड़े हुए निकला ही नहीं वो बाहर अब हम यहाँ खड़े हुए हैं पता लगे वो बंदा वहां से आ जाए उस वाले गेट से यार वो कोई और आ गया ना फिर ये नाजरे मौज मजे खवातीन और रात कोई साहब क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम कैसे हो मेरे दोस्त ठीक हो फाइनली यार थैंक गॉड साहब वो सीन यार ये है बड़ा केयर वो जानवर के लिए ना वो कपड़े छपड़े लेके आने हैं कपड़े छपड़े लेके आने हैं हाँ कहाँ से ले लेंगे यार शेख को डालना ले साथ शेख को डालो साथ किधर है ये खड़ा हाँ उसको बुलाओ उसको डालो शेख के कपड़े कह रहा हूँ जानवर के कपड़े लेके आने हैं यार उसको बस लाल रंग का कपड़ा उसके सर का मतलब कोई वैसे प्यारी प्यारी चीजें बस ज्यादा नहीं यार मर्जी है यार सुभान ये कॉल कर रही थी कॉल नहीं उठाता कॉल तेरा वो चला गया लोटर वाला भी क्या मसला हुआ लोटर वाले साथ एक मिनट अड्डे वाले को कॉल कर रहा हूँ तू उसे कॉल ना कर तू कृषि की बात सुन जल्दी आ चले आ जा चल किधर जाना का है जाना कुरैशी बताता है जानवर के ना उसको सजाने का सामान देने के लिए ये है सारे बंदे ये जा रहे हैं ये तो कुत्तों का शायद है ना नहीं इन्हीं का ये भी अच्छी रस्सी है टाइम नहीं है ना होते होंगे साइज साइज होते हैं बड़ा जानवर छोटा जानवर ये तो औरतों के नहीं लगे हुए औरतों ने बहने हुए होते हैं सर में ये सारा जानवरों का सामान है सारे जानवरों का है औरतों का यहाँ पे अच्छा हाँ सॉरी 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 तो दिनों जरा ये देखे मुझे तो ये प्यारा लग रहा है इन सब में क्यों देखें ना ये अक्सर सफेद भी होते हैं सफेद भी होते हैं ना लाल वाले लाल भी अच्छा लगता है काला और लाल काला मोरा कर लेते हैं लाल चादर कर लेते हैं हाँ चादर लेनी है चादर लाल करनी है
लाल लेने आ जाने मर्जी है। कुछ दिनों ज़रा हम पसंद कर रहे थे इस वाले में से और इसमें से, तो हमें जो पसंद आया है वो ये आया है। हमारे जानवर के रंग के हिसाब से इसमें फुल घंटियाँ शंटियाँ भी लगी हुई हैं और ये थोड़ा सिंपल सिंपल था, तो प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, जो हमने डिसाइड किया हम ये बना लेंगे। हाँ बस सही है। अच्छा वो जो है वो फेस का और वो गले का है और ये पेट का है। हाँ बस यही ले लेते हैं, मुझे प्यारी है यार माशाल्लाह लेगी उसके ऊपर। मुझे खबरें रात बिल बन रहा है, सामान शामान हमने दे दिया और वहाँ पे ना वो लोग बिल बना रहे हैं, बस अब बिल पे करना है और यहाँ से निकलना है। पहले हम लोगों का प्लान था हम लोग झांझरे वगैरह नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमने इतना सारा सामान खरीदना तो हमने कहा चलो झांझरे भी ले लेते हैं, ये वाला शौक भी पूरा कर ही लेते हैं। और वो अंकल बिल बना रहे हैं, काम आ जाएगी कोको को डाल, हाँ कोको को डाल देंगे, कोको को डाल देंगे, हाँ बस ठीक है, कोको के लिए वी आई पी वी आई पी है, बस ठीक है ओके ओके। रस्सी किधर है? ये रस्सी, ये झांझ रहे हैं, ये उसके गले का, अच्छा ये बस्ती का सामान पूरा। चलो चलो निकलो, चल निकल, चल चले आज का मैं चलाता हूँ, मैंने आगे बैठना है। मैंने कहा मैंने आगे बैठना है। बैठो ध्यान से, बैठो बैठो बैठो। मौजूद खबरें फाइनली हमने जानवर के ना उसको सजाने का सामान ले लिया। ये कुरेजी साहब ने बारगेनिंग की है माशाल्लाह से, बहुत मेहनत की है, 50 रुपए छुड़वा दिए, बहुत लंबा चौड़ा तीर मार लिया जितने हमने उसको इतने ज्यादा हमने मतलब हमारे जानवर के ना अल्लाह पाक के कार्य से बचाए। मैं ऐसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि ना हमें मतलब सजाने का हमने सामान लिया ना, हमारे 2100 का मतलब 2150 वो मांग रहा था, लेकिन हमने उसे 2100 दिया। अबे नहीं ना, उसने 2100 लिखा हुआ था, मैंने कहता आपने 2130 रुपए दे दो, मैंने कल 2100 तो लिखा हुआ है, कह रहा नहीं नहीं 50 डंडी लगा दी ऊपर। फॉर्म पे जहाँ पे जानवर खड़ा हुआ उसको एक बार ना सजा के ना एक ही बार ऐसे घर लेके जाएंगे। कुरेशी साहब को तो कह रहे थे उसको एक दफा घर ले आए तो फिर सजा देंगे, एक दफा रेडी होके घर आएगा ना बस वही ठीक है। अभी जाते हैं फॉर्म पे उसको सजाते हैं, सजा के फिर उसको लोड करवाते हैं, लोड करवा के फिर उसको घर ले आएंगे। तो आज फाइनली पहुंच गए यार फॉर्म पे, और वो देखे वो सारे हमारे बाशिंदे जा रहे हैं अंदर। बस यार यहाँ से इसको बस का फीड करवा के ना खाना वगैरह खिला के और बस इसको सजा के और बस यहाँ पे बुलवाते हैं शोर डाले को और इसको लोड करवा के ना बस इसको घर ले जाते हैं। खैर से नहीं ओके, गारंटी मांगा था वो मैंने, मेरा तो है नहीं, ठीक है अल्लाह हाफिज। भाई सीन ये है बड़ा कि यार जानवर ने ना अभी ना नहलाना है, नहला के उसको लेके आना है, तो वो नहला के ना और सजा के कुरेशी उसे खुद ही ले आएगा हमारे घर। तो बस अब सब कुछ कुरेशी साहब पर डिपेंड कर रहा है, कुरेशी साहब रात तक या मगरब के बाद या शाह से पहले तक ना इंशाल्लाह जानवर घर ही ले आएगा सजा के। मुझे खवातीन हजरात जानवर आने वाला है और यार एक किला यहाँ पर लगवाया है पंखे के नीचे, लेकिन सारी जगह नरम करवाई है, सारी जगह ये मतलब हमारे घर के साथ ही हमारा छोटे सामने फार्म सा बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ना हमने बड़ी छोटी सेट करवाई है, एक किला वहाँ लगवाया पंखे के नीचे, क्योंकि दोपहर को हम उसको वहाँ बंद कर देंगे। और ये वहाँ बैठे हुए हैं और एक किला लगवाया है यहाँ पे दरख्त के नीचे, ताकि इसको शाम को यहाँ बांध देंगे और पहर के टाइम में इसको वहाँ बांध देंगे। तो फिलहाल ये सीन है, और जानवर लेने के लिए कुरेशी साहब गए हुए हैं, एक लड़का शेख सुबान है वो और कुरेशी दोनों ना उसको ले आएंगे। बस अभी वो खाना खा रहा था और जब उसको लोड करवा के ना वो इधर ही लेकर आ रहे हैं, बस तकरीबन आधे पौने घंटे तक आ जाएगा। गाइस सीन ये हुआ कि मैं खड़ा हुआ हूँ मुहिद्दीन वालों के फॉर्म पे जहाँ पे हमारा जानवर खड़ा हुआ है, यार सीन थोड़ा सा ऑफ हो गया। और ये हुआ ये कि यार जो लोडर जिसमें हमने जानवर को लेके आना था ना वो आजकल यार बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि जानवर लोड करवाना सब तकरीबन मंडियों में आए पड़े, तो वही थोड़ा सा ना लेट हो गया और मुहिद्दीन खुद भी मंडी गया हुआ है। तो यार मैंने कहा चलो मैं खुद जाकर ले आता हूँ, एक दो डालों वगैरह से वालों से बात की है, अब मैं बैठा यहाँ पे इंतजार करूँ और जैसे वो आते हैं हम जानवर को लोड करवाते हैं और ले जाते हैं इसको, क्योंकि यार पापा खुद घर में इंतजार कर रहे हैं बैठे। मुझे दिन ने ना उसने बताया नहीं है कि भाई मैं मंडी जा रहा हूँ और मैं तब से अब तक इंतजार कर रहा था बैठा हुआ। तो दिनों रात इस टाइम में बाइक पे और ये देखें ये हमारा जा रहा है कुर्बानी वाला जानवर सामने वाली गाड़ी में। यार आजकल ना गाड़ियाँ बड़ी ना शॉर्ट हुई हैं,
तो बड़ी मुश्किल से हमें ये गाड़ी वाला मिला और हमने इस पर काम अनलोड करवा दिया और बस अब हम इसे ना घर लेकर जा रहे हैं। तो अब आपसे मिलते हैं इसकी अनलोडिंग का टाइम, क्योंकि मैंने लोड इसे खुद करवाया तो मैं ब्लॉग नहीं बना सका, तो यार बस अब इसको वापस उतारना है घर जाके। अल्लाह करे खैर खरीत से उतर जाए आमीन सुमा आमीन, और अल्लाह करे आपको इसके भागने वाली वीडियो ना मिले, क्योंकि वरना ना लोडिंग अनलोडिंग के टाइम ना जानवर भाग जाते हैं, तो वही वाला सीन अल्लाह करे इसके साथ ना हो, आमीन सुमा आमीन। गाइस फाइनली कुर्बानी वाले जानवर आ चुका है और अभी हमने इसको अनलोड करने लगे हैं। छोड़ना नहीं पूरा छोड़ रही नहीं छोड़नी है तो गाइस फाइनली कुर्बानी का जानवर उतर चुका है नीचे, और यार पहले शुरू शुरू तो उसने बड़ा नचाया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया, हमें तो लगा हमारे पास काम ही है, लेकिन मेहर भाई ने जुरात और बहादुरी का सबूत देते हुए जानवर उतार दिया। सो गाइस फाइनली हमारा कुर्बानी का जानवर आ चुका है। यार आज के दिन में यार बड़ा थक गए हैं यार, थकावट की सबसे बड़ी वजह यार गर्मी है, मौसम कुछ इस तरह का हुआ है यार, इतना पसीने वाला मौसम हुआ है हद से ज़्यादा। तो गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा खाना शाना खाने, खाना शाना खा के यार बस सोऊंगा सुकून से। तो गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और तकरीबन अब नेक्स्ट जो एक दो दिन के ब्लॉग हैं, मतलब कल नहीं परसों, परसों तो वैसे भी ईद है, तो कल इंशाल्लाह ताला अपने जानवर के साथ सारे दिन स्पेंड करेंगे। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।